नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर हमलावर होते हुए इस बार संजय सिंह ने नमामि गंगे को मुद्दा बनाते हुए घोटाले की बात कही। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी सरकार को सभी विरोधी दल घेरने की फिराक में है। सुर्खियों में बने रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नमामि गंगे समेत कई मामलों पर सरकार को निशाने पर लिया है। संजय सिंह के मुताबिक 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक 8,000 करोड़ ही खर्च हुए हैं। संजय सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं से घोटाला साबित करने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को देश समझते हैं, आदित्यनाथ जी अपने आप को राष्ट्र समझते हैं। उनके खिलाफ कुछ भी बोलना राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह। जिस आदमी को हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका है, उस सूर्य प्रताप सिंह को तीन तीन देशद्रोह उनके ऊपर लगा दिया आपने। और उसका अपराध क्या है? उनका एकमात्र अपराध है कि कोरोना की महामारी में उन्होंने सच उजागर करने का काम किया। उन्होंने बताया कि गंगा के घाटों पर किस तरह से 100। आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ताज नगरी आगरा में भी लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए वहां पर पहुंचे और पौधारोपण किया। थाना बसई अरेला के थानाध्यक्ष शेर सिंह के साथ में सभी पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पर थानाध्यक्ष शेर सिंह ने बताया है कि वृक्षों को काटे नहीं, जितना हो सके उतने वृक्ष लगाएं तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। आज जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और जो हमारा पर्यावरण विघटन हो रहा है, इसमें मुख्य रोल पेड़ों का रहता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी या वातावरण का प्रदूषित होना। तो हम वृक्षारोपण करके यही जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे हमें जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है वो दूर हो तथा हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा बंद कर दी थी। इस वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू करने की बात कही है। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में करीब 1 महीने के बाद में ओपीडी सेवा शुरू हुई, लेकिन ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए, इसलिए अस्पतालों में खासा अपील की गई है अस्पतालों की तरफ से कि कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान सभी को मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ समाजसेवी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार असहायों की मदद की है, जिन्होंने लगातार कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान लोगों को खाने से लेकर ऑक्सीजन तक मुहैया करवाई है। लखनऊ के समाजसेवी और बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी वो शख्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन से लेकर खाने तक का सामान और दवाइयां लोगों तक पहुंचाई हैं, उपलब्ध कराई हैं और आज भी लगातार वो इसी तरीके की मदद कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अमित त्रिपाठी 2 बार खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ठीक होते ही उन्होंने फिर से अपनी सेवा शुरू कर दी है। अमित त्रिपाठी लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है। भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी अमित त्रिपाठी ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर हजरतगंज चौराहा और लोहिया अस्पताल में जरूरतमंदों को फल, बिस्किट, जूस, पानी और मास्क वितरित किए हैं। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक आरोपी 40 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 100 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का दावा है कि इनके लिए जो हमारी टीम गठित की गई है कई राज्यों में दबिश डाल रही है और जितने भी आरोपी हैं उन पर गिरफ्तारी की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार एक हफ्ते से 6 राज्यों में दबिशें दे रही हैं, जिसमें प्रमुखता से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये शामिल हैं। जगह अलग अलग जनपदों में रेकी भी की जा रही है, दबिशें भी दी जा रही हैं। और इनमें अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त। आगरा के सदर तहसील में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बिल की कॉपियों को फाड़कर अपना विरोध जताया। मौके पर कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने काले कानून की कॉपियों को किसानों से छीनने की कोशिश की। भारतीय किसान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सावित्री चौहान ने किसानों के साथ में तहसील के गेट पर नारेबाजी की है। अच्छा, मैं भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष महिला विंग की समाज सेविका सावित्री चौहान, और आज तहसील में जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, हमारे हाई कमान जहाँ से संयुक्त मोर्चा की तरफ से चौधरी राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, उनकी तरफ से आह्वान किया था कि आज 5 जून 2021 को एक साल हो गई, जो भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो कृषि कार्य कानून पास करे थे एक साल पहले, आज उनका हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ बिल फाड़े गए हैं क्योंकि 6 महीने से हमारे किसान गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर रुके। ताज नगरी आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना एतमादौला और खंदौली में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। खुलासा करते हुए चोरी करने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों से सोने के आभूषण, LED TV, अन्य सामान बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। SP सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद में प्रधान की दबंगई ने लोगों को परेशान करके रखा है। आरोप है कि प्रधान ने 22 अन्य लोगों के साथ में मिलकर परिवार के साथ मारपीट की। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए। इसी वजह से एक युवक की जान भी चली गई और एक बुजुर्ग महिला को चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले का संज्ञान लेकर SSP संतोष कुमार सिंह ने एक्शन लेते हुए चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए नारेबाजी की जा रही है। राकेश टिकैत भी लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो देश भर में किसानों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों ने अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर जो ये 3 कृषि काले कानून बनाए गए थे, जिनके विरोध में आज 6.5 महीने लगभग धरना चलते हुए हो गया दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर, आज ऊपर से आदेश है भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारियों का कि इनकी जो प्रीति है, आज इन्हें 1 वर्ष हो गया इस कानून को बने हुए पूरा, आज 1 वर्ष हो गया है, तो आज इनकी प्रीति फाड़ गए। पहले तो हमारा प्रोग्राम था इन्हें जलाने का, लेकिन आज वो है पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पे हम कोई भी चीज जला के जो है दूसरी फसल नहीं करना। सोनभद्र के बीजपुर रिहंद में विश्व पर्यावरण दिवस पर NTPC कार्यकारी निदेशक बालजी आयंगर ने पौधारोपण किया है। निदेशक बालजी आयंगर ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से लोग अपने घरों में अपनी बीवी और बच्चे समेत परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से हमारे कर्मचारी भी इस पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। और उन्होंने अपील की है कि कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि CSC एवं NTPC के द्वारा हर तरह का सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ में इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, फिर सभी लोगों ने पौधारोपण किया है। NTPC रिहंद ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट का प्रति और इस साल का जो थीम है उसी का प्रति हमारा हर सिस्टम को, जैसा कोई भी
लिक्विड डिस्चार्ज रहता है उसको बाहर नहीं जाने देते हुए हम लोग अपना ही रिसर्कुलेशन करते हुए उस कौशाम्बी के सराय अकिल के चितापुर के प्रधानपति चुनाव के दौरान मारपीट में घायल हुए थे। प्रधानपति के घायल होने की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम करते हुए बवाल शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हंगामे करने की जानकारी मिलते ही पुलिस और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। ग्रामीणों की मांग है कि मारपीट के मामले में हुई मौत पर कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने शातिर तस्कर के खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान 125 बोतल मोटरसाइकिल से बरामद की है अवैध शराब। कारोबार के आरोपियों को आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया है। आरसी मिशन पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है और एक मोटरसाइकिल भी पाई गई है, जिसमें से इनके पास 125 पवे अवैध देसी शराब बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके और बरामद करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित। जालौन में रेलवे के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर लगी हुई भीड़ बिना मास्क के दिखाई दी। बिना मास्क के दिखे लोगों से कोविड के नियमों की खूब उन्होंने धज्जियां उड़ाई। दो गज दूरी और न नजर आई न ही मास्क वहां पर नजर आया। भूलकर यात्री लगातार लाइन में खड़े रहे और इस दौरान रेलवे पुलिस और स्टेशन प्रबंधन नजारा दिखाई दिया। ये मामला उरई रेलवे स्टेशन का है। इंडिया फाइट्स अगेंस्ट कोविड के अंतर्गत हयात शीर्षक के तत्वाधान में 120 घंटे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुशायरे में जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के पुत्र जनपद मैनपुरी के युवा शायर फरमान कुरावली भी अपना कलाम पेश करेंगे। जनपद मैनपुरी से इस कवि सम्मेलन व मुशायरे के लिए युवा शायर फरमान कुरावली का भी चयन हुआ है। रामपुर के शायर तरीफ नियाजी द्वारा शतीम मेकशर्स प्रोडक्शन कंपनी के अंतर्गत 120 घंटे का मैराथन मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कि पूरे भारत के अलावा बाहरी देशों के लगभग 1000 चुनिंदा शायरों को शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ ये इंडिया का हमारे मुल्क का ये पहला मुशायरा होगा जो कि 120 घंटे लगातार कंटिन्यू चलेगा। मैं जिसके लिए अपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे भाई तारिफ नियाजी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे अपना शायर को इसमें शामिल किया, मुझे सिलेक्ट मेरा नाम सिलेक्ट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में लगातार 120 घंटे चलने वाला ये प्रोग्राम, इसमें दुनिया भर के लगभग 500 शायर व कवि इसमें। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली में खेत में एक शव पड़ा होने की सूचना मिली, लेकिन सूचना के आधार पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो इलाके की छानबीन में पुलिस ने कुछ कपड़े बरामद किए। जांच करने वाली टीम ने प्रथम दृष्टया शव की बात को नकार दिया है। मौके पर पहुंचे SI ने कपड़ों को जब्त कर लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। SI का कहना है कि कपड़े किसी अस्पताल के लग रहे हैं जिन्हें कोई जानवर यहां पर उठा लाया है। वहीं उन्नाव में शफीपुर थाने के पास में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद में घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी मिली कि टक्कर मारने के बाद में कार खंती में पलटी है, पर गनीमत रही कि कार सवार लोग बाहर निकल आए। नोएडा का चर्चित बाइक घोटाला एक बार फिर से काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है और इस बार इस घोटाले के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। लखनऊ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए।
नोएडा का चर्चित बाइक बोट घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। चर्चित बाइक बोट घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चर्चित बाइक बोट घोटाले के मामले में पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की और पुलिस को इस ताबड़तोड़ छापेमारी में सफलता हाथ लगी है। अलग अलग इलाकों से छापेमारी के दौरान घोटाले की 143 बाइक बरामद की गई है। इस बाइक के साथ पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि गर्भित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी के मालिक संजय भाटी ने नोएडा से इस कंपनी की शुरुआत कर लोगों से निवेश के नाम पर भारी रकम ऐठी थी। दूसरी तरफ अब इस मामले में लखनऊ के पूर्वी जोन की टीम और पीजीआई पुलिस ने कैंट मोहनलालगंज और निगोहा इलाके में छापेमारी के दौरान बाइक बोट घोटाले से जुड़े तकरीबन 143 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये सभी बाइक अमित अग्रवाल और कुलदीप शुक्ला नाम के शख्स से जुड़ी हैं, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस के अफसरों ने अपने ईस्टर से पूछताछ करने के बाद मेरठ रेंज के ईओडब्ल्यू की टीम को दे दी है, जिनसे पूछताछ का दौर आगे भी रहेगा। अहम बात यह भी है कि बाइक बोट घोटाले की जांच लंबे समय से ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। कुछ बाइक बोट से संबंधित कुछ बाइक्स हैं जो कि बेसमेंट में रखी गई हैं। इस सूचना पर थाना पीजीआई और पूर्वी जोन की जो क्राइम टीम होती है वो मौके पर जाती है और मौके से कुछ बाइक बरामद करती है। वहाँ पर दो लोग जिनकी ये बाइक थी, जिससे संबंधित ये बाइक्स थी, जिनका नाम अमित अग्रवाल और कुलदीप शुक्ला है, उनको पुलिस थाने पर बुलाती है पूछताछ के लिए। और पूछताछ के बाद पता चलता है कि अभी कुछ और बाइक्स भी हैं जो इन लोगों के पास हैं। वो बाइक्स भी रिकवर की जाती है। कुछ बाइक कैंट में अमित अग्रवाल के घर पर थी, वो भी बाइक रिकवर की जाती हैं। टोटल अभी फ़िलहाल हमारे पास टोटल 143 बाइक्स हैं जो इस बाइक बोट से संबंधित हैं। बता दें कि बाइक बोट घोटाले मामले में नोएडा में कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। आर्थिक अपराध शाखा इन मुकदमों की जाँच कर रही है। इस मामले में अब तक 12 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले पर कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़प कर अर्जित की गई संपत्तियों पर पुलिस की पैनी निगाह है। आरोपियों के पास से मिली संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। लोगों का हक छीनने वाला विकास प्राधिकरण इन दिनों सवालों के घेरे में है। आगरा में लोगों में विकास प्राधिकरण के खिलाफ काफी गुस्सा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। तिजोरी में डाका डालकर मालामाल बनने का ख्वाब देखने वाली विकास प्राधिकरण अब सवालों के घेरे में है। सीलन है, यहाँ का सारे पाइपलाइन खराब हो रहा है, प्लास्टर सब गिर रहा है, हर फ्लैट में सीलन ही सीलन है। मालामाल बनने का शॉर्टकट तरीका विकास प्राधिकरण को अब महंगा पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास प्राधिकरण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट चुका है। आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं। बता दें कि ताज नगरी योजना में प्राइवेट बिल्डर द्वारा विकसित की गई आवासीय कॉलोनी पार्श्वनाथ पंचवटी में बिल्डर द्वारा एडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से मानचित्र के विपरीत भवनों के निर्माण, फुटपाथ और नाले पर पक्का निर्माण कर उस पर कार पार्किंग बनाने के भ्रष्टाचार के आरोप में आगरा विकास प्राधिकरण अभी उभर नहीं पाया था कि दूसरी ओर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताज नगरी फेज 2 में विकसित की गई एडीए हाइट्स योजना में भी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं।
एडीए हाइट्स के आवंटियों द्वारा एडीए हाइट्स में ही विरोध प्रदर्शन धरना दिया गया। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और एडीए हाइट्स योजना की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की। एडीए हाइट्स के आवंटियों का कहना है कि एडीए हाइट्स के भवनों को बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। एडीए हाइट्स में करीब 800 भवनों का निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसमें से प्राधिकरण अभी तक 50% भवनों को ही नहीं आवंटित कर पाया है। निर्माण किए गए भवनों की हालत बहुत जर्जर है, जिस कारण इस बहुमंजिला आवासीय योजना में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहाँ पूर्व में जो मेंटेनेंस चार्ज रहा है एडी हाइट्स के अंदर वो 1% रहा था, पर विगत दिनों बीसी महोदय ने इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 2.32 कर दिया है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अगर किसी भी नियम के तहत अगर आप किसी को शुल्क को बढ़ाते हैं तो उसकी एक समय सीमा और एक बढ़ोतरी की सीमा होती है। भैया 10%, 15% या 20% बढ़ा सकते हो आप, 132% बढ़ाने का आप किसी भी नियम के हिसाब से आप उसको कैसे बढ़ा दिया आपने, तो उसके लिए बात होगी और उपाध्यक्ष को अगर पहले बात की जाएगी, अगर नहीं है वो उस चीज़ के लिए राजी होते हैं तो पूरा एडी हाइट्स के लोग वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर उपाध्यक्ष के कार्यालय पर बैठेंगे हम लोग। DT1 805 सबसे महंगा मेरा फ्लैट है, एक 1.25 करोड़ का फ्लैट है, उसमें हमको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली, यहाँ पे देख के ही लिया था लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ये केवल हमारा कूड़ा लेके जाते हैं, बस झाड़ू पोछा होता है, बाकी इसके अलावा हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। और अब ये हमसे 7,000 रुपये, 8,000 रुपये मंथली ले रहे हैं तो किस रीज़न पर ले रहे हैं, और जो भी इसमें मटेरियल लगा हुआ है वो अंदर तो कोई जानता नहीं है इसमें क्या चीज़ है। अब टाइल भी उखड़ रहे हैं, बाथरूम के टाइल सारे गिर गए हैं, दोबारा से लगवाए हैं, फर्श के टाइल निकल रहे हैं, अंदर हमने सब अपनी लाइटिंग का कराया तो सब वायरिंग इनके अंदर नहीं थी, वायरिंग हमने दूसरा नया कराया, कुछ भी हमको नहीं मिला है। लेकिन क्या ये वापस कर सकते हैं हमारा, हम तो हम सब मिलके वापस करना चाहते हैं फ्लैट इनके, हम इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकते, किस रीजन पर किस बिहाफ पर हम ये दें। पहले क्या मेंटेनेंस ज़्यादा था? हमारा 1 रुपीज़ ज़्यादा था स्क्वायर फीट, जो कि हमारे फ्लैट से 3,28,500-2,900 रुपये जा रहे थे, हमें उसमें भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी ये 2.32 रुपये कर दिया है, जो इस हिसाब से 7,000 रुपये हो रहा है, और उसमें हमारे यहाँ 3 लिफ्ट हैं, 2 लिफ्ट चल, एक लिफ्ट ठीक है, एक लिफ्ट तो बिल्कुल बंद करके रखी है, कभी खोली नहीं है। जब कहीं दूसरी जगह कोई लिफ्ट खराब होती है तो उसके पार्ट्स निकाल के दूसरी जगह सेट कर देते हैं, और कोई भी जो यहाँ पे ये मेंटेनेंस वाला जो कंपनी रखी हुई है उसको कुछ नहीं आता, ना कोई कभी घूमने आता है ना कभी देखने आता है, और कोई भी कैसे भी रख लेता है यहाँ पे किसी भी तरीके से, ना गार्ड भी प्रोफेशनल नहीं है, और अपना जाके काम करके आते हैं फिर बाकी का यहाँ ड्यूटी अटेंड करते हैं, और सब गलत सलत सारे काम होते हैं वो तो सारे सबकी नज़र में ही होगा। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे बहुत गंदा माहौल है, यहाँ पे जुआ यहाँ पे हुआ है, शराब यहाँ पे चलती है, शराब का धंधा यहाँ पे चलता है, और यहाँ तक कि जो काम वाली लेडीज आती हैं उनको भी नहीं ये छोड़ते हैं, तो हमको मिल के आ रहा है, हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं। मैडम यहाँ का समस्या ही समस्या है, ये आज 7-8 साल से हम लोग कंटिन्यूस लिख रहे हैं, हम लोग 12 में पोजीशन लिया, 1 साल का अंदर ही 13 से हम लोग ये शिकायत किया। सीलन है यहाँ का, सारे पाइपलाइन खराब पड़ा है, प्लास्टर सब गिर रहा है, हर फ्लैट में सीलन ही सीलन है, मेन प्रॉब्लम है। लिफ्ट है, लिफ्ट का जो सप्लायर था जो कंपनी था फाइसन क्रो, उसको ना दे के एक गली मोहल्ला का एक आदमी को मेंटेनेंस चार्ज दे दिया, उसका कुछ भी पता नहीं है, वो ओरिजिनल पार्ट्स लेके डुप्लीकेट लग रहा, रोज लिफ्ट खराब हो रहा है, ये भी हालत हो जाएंगे। 19 लिफ्ट है यहाँ, बड़ा लिफ्ट है, वो आने वाला 2-4 दिन में ऐसे हालत हो जाएंगे, लिफ्ट रिपेयरेबल भी नहीं देखे, कंडेम्ड हो जाएंगे। एक कंपनी को क्यों नहीं देते जिसने सप्लाई किया, इवन CPWD का बायलॉज भी कहते जो सप्लाई किया उसको ही दिया जाए। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नियम कानून मान के हम लोग विरोधी कर सकते हैं, मंत्री के पास जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
हम लोग तो लड़ाई दंगा मारपीट नहीं कर रहे, वी आर ऑल सिविलाइज्ड पर्सन। आवंटियों के सब्र का बांध टूटते ही विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और जमकर नारेबाजी की गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े बहुमंजिला इमारत को अब न्याय की दरकार है और देखना ये होगा कि क्या इन आवंटियों को न्याय मिलेगा या फिर न्याय की दरकार कुछ कागजों में सिमट कर बिखर जाएगी।